बॉलीवुड इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस है शिल्पा शेट्टी, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा लाइमलाइट अपनी फिल्मों की वजह से नहीं बटोरी बल्कि अपनी निजी जिंदगी की वजह से बटोरी। शिल्पा शेट्टी एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनका फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी शिल्पा शेट्टी ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में नाम कमाया, पहचान बनाई। आज शिल्पा शेट्टी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जहाँ पर शिल्पा शेट्टी ने कई सालों की मेहनत के बाद अपनी पहचान बॉलीवुड इंडस्ट्री में बनाई थी, वहीं उनके पति राज कुंद्रा ने उनकी इस मेहनत पर पानी तब फेर दिया जब उनकी अश्लील वीडियो बनाने में नाम सामने आया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को लेकर। आपको बताते चले कि शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा अश्लील वीडियो बनाने के चक्कर में जेल भी जा चुके हैं। यहाँ तक कि उनसे जुड़ी कई सारी खबरें सामने आई थी, उनकी संपत्ति, उनकी प्रॉपर्टी, अश्लील वीडियोज, डीवीडीज, कैसेट्स, सब कुछ सामने आया था, जहां पर कई सारे कलाकारों ने राज कुंद्रा के खिलाफ सबूत भी दिए थे। और इस चक्कर में जब शिल्पा शेट्टी को पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़े तो शिल्पा शेट्टी बुरी तरह से परेशान हो गई। ऐसे में अब यहां राज कुंद्रा भले ही जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन अब खबर है कि राज कुंद्रा खुद पर एक बायोपिक बनाने वाले हैं। जी हाँ, यह बायोपिक राज कुंद्रा की जिंदगी पर होगी, वो भी उस मामले पर जो अश्लील मामले की वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा था। खबर तो ये भी है कि इसी मामले के बीच जब बायोपिक बना रहे हैं राज कुंद्रा, इस बायोपिक में राज कुंद्रा ही हीरो के तौर पर आपको नजर आएंगे। और इसी के साथ यहाँ पर कमेंट्स फैंस लगातार कर रहे हैं कि राज कुंद्रा के साथ उनकी पत्नी शिल्पा को ही वो हीरोइन के तौर पर देखना चाहते हैं, वो सब कुछ देखना चाहते हैं जो उस वक्त राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने एहसास किया था और उन्हें उस वक्त किस दौर से वो दोनों गुजरे थे वो देखना चाहते हैं। क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा जल्द ही एक्टिंग डेब्यू करेंगे। खबरों के मिली जानकारी के अनुसार अश्लील पोर्नोग्राफी मामले 2021 में राज कुंद्रा के 63 दिनों के जेल अनुभव पर आधारित फिल्म जल्द बनाई जाएगी। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में राज कुंद्रा खुद एक्टिंग करते नजर आएंगे। खबरों में दावा किया गया कि ये फिल्म सबसे अधिक भीड़भाड़ वाली जेल आर्थर रोड जेल अपने कार्यकाल के दौरान राज कुंद्रा द्वारा अनुभव की गई सभी चीजों का विवरण दिखाएगी। खबरों में तो ये भी कहा गया कि डायरेक्टर का नाम फिलहाल गुप्त रखा गया है, लेकिन राज कुंद्रा प्रोडक्शन से लेकर स्क्रिप्ट तक सभी पहलुओं में रचनात्मक रूप से शामिल होंगे। हालांकि ये भी ध्यान दिया जाएगा कि राज कुंद्रा ने अभी तक इस बारे में कोई अनाउंसमेंट तो नहीं की। बताते चले आप सबको कि राज कुंद्रा को मोबाइल एप्लीकेशन पर अश्लील फिल्में बनाने और अपलोड करने का आरोप था, जिसके चलते जुलाई 2021 में उन्हें गिरफ्तार किया गया। करीब 2 महीने बाद उन्हें जमानत मिली और 2022 में राज कुंद्रा ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई को पत्र लिखकर ये दावा किया था कि वो निर्दोष है और आरोप लगाया है कि वो एक व्यवसायी का व्यक्तिगत प्रतिशोध था जिसने पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर उन्हें गिरफ्तार करवाया। राज कुंद्रा ने सीबीआई एजेंसी मामले में जांच करने का अनुरोध किया था और आगे दावा किया था कि मुंबई अपराध शाखा के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा फंसाया गया था। मैं खुद 1 वर्ष से मौन रहा हूं, मीडिया ट्रायल से परेशान होकर आर्थर रोड जेल में 63 दिन तक मैं जेल में रहा। अदालतों से न्याय चाहता हूं, जो मुझे पता है कि मुझे मिलेगा, और मैं विनम्रता पूर्वक इन अधिकारियों के खिलाफ जांच का अनुरोध करता हूं। खबरों की मिली जानकारी के अनुसार अपने पत्र में लिखा था, दिसंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट के मामले सिलसिले में राज कुंद्रा, पूनम पांडे, शर्लिन चोपड़ी को अग्रिम जमानत दी गई थी। शीर्ष अदालत का फैसला मुंबई हाई कोर्ट द्वारा मामले में गिरफ्तार से पहले सुरक्षा के लिए राज कुंद्रा की याचिका खारिज करने के लिए बताया गया था। तो यह पूरी खबर, जहां पर अपनी ही बायोपिक में हीरो के तौर पर नजर आएंगे राज कुंद्रा और उनकी पत्नी हीरोइन के तौर पर नजर आ सकती है शिल्पा शेट्टी। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, यदि आज की खास रिपोर्ट राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी को लेकर, जिसे लेकर हमने दिया आपको बयान। कैसी लगी आप सबको ये खबर, जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक ले दीजिए इजाजत, शुक्रिया।